खबर आपको राधा रानी पर जुड़े विवाद से जुड़ी हुई दिखा दें, बता दें दरअसल राधा रानी पर पंडित प्रदीप मिश्रा से अब भिड़ गए हैं प्रेमानंद महाराज जी। कथावाचक प्रदीप मिश्रा पर भड़के हैं प्रेमानंद महाराज, उनकी टिप्पणी से नाराज हैं और इसीलिए अब ये जो आपस में गुस्सा नाराजगी है वो बना हुआ है। प्रदीप मिश्रा ने दरअसल कथावाचन में राधा जी को लेकर टिप्पणी की थी और अब उसी से नाराज होकर प्रेमानंद महाराज जी ने कहा है तुम्हें नर्क से अब कोई बचा नहीं सकता। सोशल मीडिया पर भी दोनों के विवाद का जो वीडियो है वो तेजी से वायरल हो रहा है। राधा रानी को लेकर अब कथा कहते हुए जो टिप्पणी की उससे प्रेमानंद महाराज बहुत ज्यादा खफा हो गए हैं, नाराज हो गए हैं और नर्क में जाने तक की बात कह दी है प्रदीप मिश्रा कथावाचक को। अब ऐसे में जो विवाद है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इन दिनों प्रेमानंद महाराज और कथावाचक प्रदीप मिश्रा के बीच में चल रहा विवाद सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। प्रदीप मिश्रा ने अपनी कथा में राधा रानी को लेकर एक टिप्पणी की थी, इसके बाद प्रेमानंद महाराज का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा कि चार श्लोक पढ़कर तुम खुद को कथावाचक कहते हो, राधा जी के बारे में क्या जानते हो। पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपनी कथा के दौरान राधा रानी के मायके पर सवाल उठाया था। प्रदीप मिश्रा ने कहा था कि राधा रानी बरसानी की रहने वाली नहीं थी। प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी के बारे में आगे कहा कि उनकी शादी छात्रा गांव के अनय घोष से हुई थी और राधा रानी की सास का नाम जटिला और ननद का नाम कुटिला था। राधा रानी पर टिप्पणी से तमतमाए हुए संत प्रेमानंद जी महाराज ने प्रदीप मिश्रा को आड़े हाथों लिया और वीडियो जारी कर कड़े शब्दों में जवाब भी दिया। भगवान कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहां की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो है बरसाना। पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी? राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी जिसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना, वर्ष में एक बार आना। कल हमको एक क्लिप दिखाई गई किसी भागवत प्रवक्ता की, वो लाडली जी के विषय में बोल रहा है कि राधा ऐसा राधा ऐसा। किशोरी जी के विषय में होश में बोलना, हमारा जीवन है, हमारा सर्वस्व है, किशोरी जी तो कुछ नहीं करेंगी, बड़ी करुणामयी है, लेकिन अगर हमारा हृदय जल गया तो तू ना लोक लायक रह जाएगा ना परलोक लायक रह जाएगा। ऐसे भागवत प्रवक्ताओं से बिल्कुल कथा नहीं सुननी चाहिए, रे नरक की प्राप्ति होती है। केवल बोल दिया ऐसे, ऐसी धूर्तता से शब्द निकले थे कि ऐसा लग रहा था कि नजदीक हूं। तुमको बताऊं कि राधा क्या तत्व है? अभी तुम क्या समझते हो? भोली भाली किशोरी को ऐसा मत समझ लेना, उनके जन ऐसे हैं कि तुम्हारे सर्वनाश करने में बिल्कुल समर्थ है। एक संकल्प में न तो लोक लायक रह जाएगा न परलोक लायक रह जाएगा, पक्का। ये हम वृंदावन से गर्जना करें, महारानी जी के विषय में बोला तो न लोक लायक, देख लेना सभा में कह रहा हूं, देख लेना ना लोक लायक रह जाएगा ना परलोक लायक रह जाएगा, और देख लेना किसी काम का नहीं रह जाएगा। ये साफ नहीं है, ये परिणाम बोल रहा हूं, माइक से बोल रहा हूं, चिल्ला के बोल रहा हूं, कोई नहीं बचा सकता उसको। या तो जाए बरसाने और साष्टांग दंडवत होकर महारानी जी के सामने घुटने टेक दे, ये मेरे से गलती हो गई, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता, तो अत्यंत दयालु कृपालु लाडली क्षमा। हजारों लोग बैठ करके सुनते हैं, कैसी बुद्धि मारी गई, इष्ट की अवहेलना सुन रहे हैं बैठकर, और ऐसों को भागवताचार्य बनाकर मंच पे बैठा करके सुनने के लिए निमंत्रण दोगे ना कि पुरिखा तर जाएंगे तो पुरिखा नरक जाएंगे ऐसों को बैठा लोगे तो। और ऐसी प्रार्थना है जनता से कि ऐसे भागवताचार्यों से कथा ना सुनो जिनको खुद कथा का ज्ञान नहीं, खुद तत्व का ज्ञान नहीं। इसका प्रमाण हम पहले दे चुके हैं, पर जिसकी दृष्टि में सियोर वाला महाराज गलत है तो वो जिंदगी भर कितना भी प्रमाण दे ले, जैसे माता जानकी प्रमाण दे देकर आखिरी में जमीन में चली गई पर उसकी किसी ने नहीं मानी, ऐसा चाहते हैं दुनिया के लोग कि तुम प्रमाण देते रहो देते रहो देते रहो। और माफी की बात करते हो, इस राधा रानी के चरणों में तो मेरी पूरी जिंदगी, मेरा खानदान और मेरा कुटुंब पड़ा है। हमने हमारी जिंदगी की जितनी परिक्रमा करी गोवर्धन नाथ जी की, उस परिक्रमा में एक रुपया भी हमने कभी ब्रज के अंदर पैसा खर्च कर कर नहीं, हमने नियम लिया था कि ब्रज में जितनी परिक्रमा करेंगे ब्रजवासी से मांग कर करेंगे। मेरे गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा में जितने ब्रजवासी रहते हैं सब पहचानते हैं सीहोर वाले को कि बचपन से परिक्रमा करता है,
जब चड्डी पहनता था हाफ, उस समय से परिक्रमा करता था और ब्रजवासियों से दो रोटी मांगकर खा लेता था। मेरे ब्रजवासी इतने भोले होते थे कि बिठाकर छाछ भी पिलाते थे। आज उन ब्रजवासियों में कुछ लोग ऐसे घुस गए हैं जो इस शिवपुराण का विरोध करना चाहते हैं, इस व्यासपीठ का विरोध करना चाहते हैं, प्रदीप मिश्रा का विरोध करना चाहते हैं। वो लोग राधा रानी की आड़ में बदनाम करना चाहते हैं और ब्रजवासी इतना भोला है कि वो समझ नहीं पा रहा। आप कहो जिस दिन राधा रानी के चरणों में आकर दंडवत कर लूं, आप बोलो जितने दिन तक राधा रानी के चरणों में पड़ा रहूं, मेरी माँ है वो, उससे मेरा बैर नहीं है। जो कुछ बोलूंगा प्रमाण से बोलूंगा, बिना प्रमाण के कुछ नहीं बोलूंगा। और जिस जिस महाराज को प्रमाण चाहिए, कुबेरेश्वर धाम खुला पड़ा है, आ जाओ और प्रमाण लेकर जाओ। अब ये विवाद गहराता हुआ चला जा रहा है। प्रदीप मिश्रा के इन बयानों पर, इन शब्दों पर प्रेमानंद महाराज बहुत ज्यादा खफा हैं और ये कह दिया है कहीं के नहीं रहोगे, किसी काम के नहीं रहोगे, नर्क भेजने की बात भी कह दी है। ये कहा है कि जिस तरह के शब्द तुम्हारे हैं तुम नर्क में जाओगे। इस पर हम बात करेंगे। मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, अनिल मिश्रा जो कि अयोध्या से मेरे साथ में है। चूंकि अयोध्या राम की नगरी, वहां राधा रानी को लेकर किस तरह की चर्चा है ये हम जानेंगे समझेंगे। साथ ही साथ मेरे साथ में महंत राजू दास जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे प्रदीप मिश्रा के इस टिप्पणी को लेकर वो कितने ज्यादा इस पर सहमति अपनी जताते हैं। साथ ही और खास मेहमान भी हमारे साथ में जुड़ेंगे। दीन बंधु शास्त्री जी हमारे साथ में हैं, महाराज हैं, महंत जंगलेश्वर आश्रम से, और पंकज चतुर्वेदी वाराणसी से मेरे साथ में जुड़ेंगे। बाबा बालकदास पीठाधीश्वर पातालपुरी मठ से भी मेरे साथ में है। सबसे पहले अनिल मिश्रा, मैं आपका रुख कर रही हूँ। जिस तरह की टिप्पणी प्रदीप मिश्रा के जरिए की गई है, अब ऐसे में नाराजगी तो बहुत ज्यादा है और प्रेमानंद महाराज ने सीधे सीधे टिप्पणी भी कर दी है, जवाब दे दिया है, नर्क जाने की बात कह दी है। किस तरह की रिएक्शंस और किस तरह की चर्चा अभी अयोध्या में है? देखिए, अयोध्या के संतों की बात करते हैं, अयोध्या के संतों में इस बात को लेकर बहुत ही आश्चर्य है कि दो विद्वान आपस में कैसे ये लड़ रहे हैं। जिस तरह के इस वक्त शब्दावली आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, ये किसी भी दशा में संतों के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। इससे इन सबको बचना चाहिए और एक जो तर्क है, जो शास्त्र सम्मत है, उन बातों को सामने रखकर उस पर विचार विमर्श करना चाहिए, ऐसा अयोध्या के संतों का कहना है। जी, यानी संत अगर आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे या फिर इस तरह की टिप्पणी होगी तो आम लोग फिर उस पर क्या अपना विवेक का इस्तेमाल करेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे, ये भी बात देखने वाली है। महंत राजू दास भी मेरे साथ में है। महंत जी, आपको क्या लग रहा है, प्रदीप मिश्रा ने जो टिप्पणी की है उससे न सिर्फ प्रेमानंद महाराज नाराज हैं बल्कि राधा कृष्ण के जितने भी भक्त हैं उनमें भी नाराजगी देखी जा रही है। ये नाराजगी कहां तक जाएगी, क्योंकि प्रदीप मिश्रा तो कह रहे हैं अपने बयान पर मैं अडिग हूं अभी भी, मुझे तो बदनाम करने की कोशिश है। पहले तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आपने चर्चा में जोड़ा है, धन्यवाद आपको। देखिए, विषय ये है, जिस विषय पे चर्चा होना चाहिए उस विषय पे चर्चा होता ही नहीं। सनातन के खिलाफ लोग इतना टीका करते, टिप्पणी करते, सनातन को मिटाने का प्रयास करते, धर्मांतरण करते, लव जिहाज करते, मंदिरों को तोड़ते, सनातन को मिटाने का प्रयास करते, उस पर कोई चर्चा नहीं करता, नंबर एक। नंबर दो, जिस प्रकार से प्रदीप मिश्रा जी का कहना है, दूसरे तरफ प्रेमानंद जी महाराज का कहना है, धर्म गुरु जब आपस में ऐसे लड़ेंगे तो क्या रह जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ प्रेमानंद जी महाराज से, प्रेमानंद जी महाराज को कान पकड़ कर अगर लग रहा था प्रदीप मिश्रा गलत है तो कान पकड़ कर डांट देते, प्रदीप मिश्रा के साष्टांग दंडवत प्रणाम हो जाते। अगर आप सिद्ध संत हैं, बड़े संत हैं, आपके अंदर इतनी परमात्मा ने इतनी कृपा दिया है तो आप डायरेक्ट बुलाते, वो आ जाते, उसमें कोई दिक्कत नहीं था। दूसरी बात है, प्रदीप मिश्रा जी को भी इतना रुखर नहीं होना चाहिए। प्रदीप मिश्रा जी का कहना है कि वीडियो 10-12 साल पुरानी है और जो हमने पूरी बात कही है, पूरी वीडियो कोई देख नहीं रहा, पूरी क्लिप कोई चला नहीं रहा है, उसमें से थोड़ा सा काट कर चलाया जा रहा है, ये शुद्ध रूप से हमको बदनाम करने की साजिश की जा रही है। तो कुल मिला के दोनों महापुरुष है, दोनों विद्वान है, दोनों के ऊपर परमात्मा की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है। मैं निवेदन यही करूंगा दोनों महापुरुषों से कि शास्त्र सम्मत बात हो, अगर दोनों लोगों में ऐसे भिन्नता है दोनों लोग बैठकर चर्चा कर ले, बाकी तो
हवा उड़ाने वाले, यानी आपका कहना है कि अगर किसी बात को लेकर अलग अलग राय थी तो आपस में बात कर लेते, प्रेमानंद महाराज अगर बड़े हैं तो भले ही काम खींच लेते लेकिन आपस में बात रहती तो ज्यादा बेहतर रहता। अगर दो महान पुरुष आपस में इस तरीके से झगड़ेंगे या इस तरीके से सामाजिक तौर पर बयान देंगे तो फिर वो समाज में जाएगा जिसका गलत मैसेज जाता है कि दो संत आपस में ऐसी कैसी बातें या फिर ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीर नारायण मेरे साथ मथुरा से जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता, मैं उनका रुख कर लेती हूँ। वीर नारायण, चूंकि प्रदीप मिश्रा के इस टिप्पणी पर प्रेमानंद महाराज नाराज हैं और दोनों के ही अगर मैं कहूँ तो बहुत से फॉलोअर्स हैं, लाखों और करोड़ों में संख्या है जो लोग इन्हें मानते हैं, इन्हें फॉलो करते हैं। अब दोनों की ही तरफ से जो टिप्पणी हो रही है, क्या चर्चा है, राधा रानी को लेकर बात क्या हो रही है, प्रदीप मिश्रा और प्रेमानंद महाराज को लेकर बात क्या हो रही है मथुरा में? मैं आपको बता दूं कि मथुरा में प्रदीप मिश्रा जो प्रसिद्ध कथावाचक है उनकी अभद्र टिप्पणी को लेकर ब्रज के साधु संत वाचक ब्रजवासियों में काफी आक्रोश यहाँ देख रहे हैं, लगातार उनका विरोध यहाँ हो रहा है। वीडियो में चुनौती और चेतावनी दोनों ही उनको दी थी कि अगर इस तरीके की अगर टिप्पणी करेंगे तो भस्म हो जाएंगे और राधा रानी पर इस तरीके की टिप्पणी करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। उसके बाद प्रेमानंद का रिएक्शन आया, वो अपनी तमाम तरीके की सफाई दे रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की अगर शास्त्रार्थ अगर बात की जाए, साधु संतों से भी हमारी बात हो रही है, साधु संतों का लगातार ये कहना है, साधु संतों ने अभी भी ये चुनौती दी है कि प्रदीप मिश्रा ब्रज आ जाए, ब्रज में आकर के शास्त्रार्थ करें। सिर्फ ग्रंथ में ये लिखा है कि राधा रानी की ससुराल छाता में है, राधा रानी के पिता की कचहरी बरसाना है, राधा रानी का विवाह कृष्ण से नहीं हुआ, तो तमाम जो बातें हैं वो संतों ने चुनौती दी है और स्पष्ट कर दिया है कि इतने बड़े अगर विद्वान बनते हैं प्रदीप मिश्रा तो ब्रज में आ जाए, ब्रज में शास्त्रार्थ करें, साधु संतों के साथ बैठे और सीधी उन्होंने कह दिया अगर माफी नहीं मांगेंगे तो उनके खिलाफ जो एसएसपी को ज्ञापन दिया गया एफआईआर दर्ज कराएंगे। एफआईआर शासन प्रशासन एफआईआर दर्ज नहीं करता है तो ब्रज में बड़ा आंदोलन करने के लिए जो ब्रजवासी और साधु संत है वो रणनीति बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विरोध जो है वो बढ़ता जा रहा है। प्रदीप मिश्रा अभी तक इस मामले में जो माफी जो मांगनी चाहिए थी वो नहीं मांग पाए क्योंकि अभी तक प्रदीप मिश्रा ने ऐसा कोई प्रमाण भी नहीं दिया है। क्योंकि प्रदीप मिश्रा कह रहे हैं कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश है, 14 साल पुराना वीडियो है, आधा अधूरा वो वीडियो काट कर चलाया जा रहा है जिससे कि पूरी जानकारी नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि जब मीरा को नहीं छोड़ा लोगों ने तो फिर वो क्या चीज है, उन्हें बदनाम करने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। साथ ही वो कह रहे हैं कि जिनको सत्य जानना है, जिनको इस सत्य का प्रमाण चाहिए, कुबरेश्वर धाम उनके लिए खुला हुआ है, वहां जाकर देखिए इस बात के प्रमाण मिल जाएंगे कि बरसाना की नहीं रावल गांव की थी राधा रानी। इसको लेकर मैं दीन बंधु जी का रुख कर लेती हूं। दीन बंधु जी, प्रदीप मिश्रा ने टिप्पणी कर दी, प्रेमानंद महाराज ने उस पर आपत्ति जाहिर करते हुए नर्क तक जाने की बात कर दी, अब आपको राधा रानी को लेकर क्या यहाँ पर टिप्पणी सामने आ रही है? साथ ही साथ मुझे बताइए, राधा रानी और कृष्ण जिनको हम बचपन से मथुरा वृंदावन से जोड़कर देखते आ रहे हैं, अचानक से प्रदीप मिश्रा के इस बयान को लेकर भक्त बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं। दीन बंधु जी, जिस प्रकार से ये टिप्पणियां हमारे शास्त्रों में और जिस प्रकार से ये लोग करते आए और करते नए लोग रोज पैदा हो रहे हैं जो शास्त्रों पे ही टिप्पणी करते हैं, शास्त्रों पे व्यासपीठ पर बैठ करके उतना ही कार्य करना चाहिए जितनी योग्यता हो, उतनी योग्यता के शास्त्रों की बातें रखते हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। और उसमें जब हम नमक मिर्च मसाला मिला करके पब्लिक को खुश करने की बात करते हैं ना तो ये उत्तम नहीं है। हमारे यहाँ देखिए शास्त्रों ने क्या कहा, कृष्ण स्वरूप लो राधा, राधा स्वरूप लो कृष्ण, कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है, तो उनको किसी एक स्थान को दे दिया गया कि मेरे यहाँ पे थे ऐसे थे वैसे थे, इन बातों का कोई लॉजिक नहीं है, इन बातों का कोई दर्शन नहीं है। और रह गई बात जहां तक शास्त्रों की, तो शास्त्र को उस प्रकार से समाज में रखना चाहिए कि उसे मतलब समाज के भी लोग उसे लाभान्वित हों और स्वयं अपने आप को भी हृदय भी आह्लादित हो।
राधा रानी के बारे में या कृष्ण के बारे में या शास्त्रों के बारे में जिस प्रकार से या उपनिषदों के बारे में जिस प्रकार से ये लोग ऐसी ऐसी बातें एक ना एक नई नई आती रहती, तो व्यास पीठ पर इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। वहां तो श्लोकों का पारायण होना चाहिए, उसका अन्वय करो, समन्वय करो, शब्दार्थ करो, व्याख्यान करो, भावार्थ करो, आनंद आएगा, आप भी आपकी भी मर्यादा रह जाएगी, व्यासपीठ की पवित्रता बनी रहेगी। व्यासपीठ पर बैठ करके इन सब चर्चाओं, लेकिन इस मर्यादा का ख्याल नहीं रखा गया, जिससे जो आम जन है उनमें बड़ी पीड़ा है, वो बड़े दुखी हैं, क्योंकि करोड़ों लोग ऐसे हैं जो प्रदीप मिश्रा को फॉलो करते हैं, ऐसे ही करोड़ों लोग वो हैं जो प्रेमानंद महाराज को फॉलो करते हैं। जी देखिए, फॉलो करना एक अपना अलग विषय है कि किसी को कोई भी फॉलो करता हो वो विषय अलग है, लेकिन राधा रानी तो पूरे विश्व की अधिष्ठात्री देवी है, ब्रज की विशेष करके अधिष्ठात्री देवी है, उनके बारे में किसी प्रकार का टिप्पणी करना या उनके बारे में कुछ बोलना एक बार के लिए आदमी को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, ये उत्तम नहीं है। बिल्कुल ठीक आपने कहा, ठीक आपने कहा, जब ज्ञानी कि जिसे उपाधि दी गई हो, जिसकी कथाएं सुनने के लिए दूर दराज से लोग आते हों, क्योंकि करोड़ों फॉलोअर्स हैं और लाखों की संख्या में जब इनकी कथा कही जाती है तो लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन राधा रानी को की गई टिप्पणी के बाद नाराजगी देखी जा रही है। प्रदीप मिश्रा ने कहा कि कृष्ण की 16,000 रानियों में कहीं राधा रानी का जिक्र नहीं है, राधा रानी बरसाना की नहीं रावल गाँव की हैं, राधा रानी की शादी किन से हुई, राधा रानी के पिता की कचहरी बरसाना में लगती थी, साल में एक बार आती थी, ऐसी कई टिप्पणी कई बातें हैं इस टिप्पणी में जिनको लेकर नाराजगी है। और प्रेमानंद महाराज तो ये कह रहे हैं कि अब कहीं के तुम नहीं रहोगे, ना लोक में ना परलोक में जगह नहीं मिलेगी। बालक दास जी, आपको क्या लग रहा है, इस टिप्पणी को करना क्या जरूरी था? मेरा 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 एक अपना भाव है, प्रेम है। देखिए, जहां तक बात आती है कि राधा रानी राधा रानी राधा रानी के बारे में ये सब कहना, वो वहां की थी, वहां की थी, अरे कृष्ण है ना, आप कह रहे हो कृष्ण नहीं है, कृष्ण तो है ना। तो प्रश्न यहाँ पे खड़ा होता है कि आप जो लॉजिक दे रहे हैं, जो दर्शन दे रहे हैं, क्या वो समाज से एक्सेप्ट करता? फॉलोवर की बात आती है तो 50 आपके हैं, 50 उनके हैं, 50 उनके हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो तुम कह रहे हो वो सत्य कह रहे हो? कहीं ना कहीं शास्त्र को समझना और शास्त्र के प्रति आस्था रखना, ये रूखा ज्ञान किस लिए, किस प्रकार? अच्छा, उपाधि की बात रह गई तो आजकल जगह जगह सब जगह उपाधियां मिलती है, छोटा सा आश्रम बना लिया, पीठाधीश्वर हो गए आदमी, तो ये इस प्रकार का ये उत्तम नहीं माना गया है। हमारे यहाँ शास्त्रार्थ पद्धति थी, पहले विद्यार्थी पढ़ता था, पढ़ने के बाद फिर शास्त्रार्थ में उतारा जाता था, फिर शास्त्रार्थ में वो विद्युत परिषद उसे कहती थी कि हाँ बेटा, आप जनमानस का कल्याण करने में आप सक्षम हो गए हो, तो उसे व्यासपीठ दिया जाता था, कर्मकांड दिया जाता था, यज्ञाचार बनाया जाता था। आजकल तो सब मनमुखी बने घूम रहे हैं, इनके लिए क्या कहना है? जिस तरीके की टिप्पणी की गई है, उस तो टिप्पणी के बाद नाराजगी है। हाँ जी, जो टिप्पणी की गई है उस टिप्पणी को लेकर नाराजगी है, और ये नाराजगी भी सामने आ रही है। बालक दास जी, आप अनम्यूट कीजिए खुद को, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही है, ये बीच में आती है फिर चली जाती है, आप अनम्यूट खुद को कर लेंगे तो हम आपको सुन पाएंगे। आप बोलिए कुछ। श्री राधे जी, जी आवाज आपकी आ रही है, आप अपनी बात पूरी करें। मैं कह रहा हूं कि प्रदीप मिश्रा के पास किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। जिस शिव पुराण की वो कथा करता है, शिव पुराण में कहीं भी कोई भी चीज ऐसी नहीं दी, जो टुटका वो बताते हैं वो टुटका गुरु बन के बैठ गए हैं। कोई भी टुटका शिव पुराण के अंतर्गत नहीं आता, जो व्यक्ति बताते रहते हैं बैठ करके लोगों को पागल बना करके भ्रमित करते हुए। एक जो 2 रुपए का रुद्राक्ष है उसका 5,000 रुपए वो मूल चकाते हैं। किसी संत ने अगर बुला दिया तो 40-48 लाख रुपए की मांग करता है एक दिन के जाने के लिए। ये सनातन धर्म के विरोधी आदमी है, और प्रेमानंद एक सरल संत है, उन्होंने जो भी कहा है वो आत्मा से निकला, उनके हृदय से निकली हुई वाणी है, निश्चित रूप से वो फलित होगा और उनको नरकगामियों को प्रस्थान करना पड़ेगा, उनको सुनने वाले भी नरकगामी होंगे। इसलिए राधा रानी के बारे में उनको सोच समझ के बोलना अपने चाहिए। मुंह से ऐसा मत बोलिए, हम और आप कोई भी ना तो भविष्यवाणी करता है, ना ही
नहीं, ये भविष्यवाणी नहीं है, ये भविष्यवाणी नहीं है, सच है। तो आप इस तरह की भाषा भी मत बोलिए, कोई बात नहीं। सुनिए, प्रेमानंद महाराज ने कह दिया है कि ना तो लोक में ना तो परलोक में जगह नहीं मिलेगी और नर्क जाने से आपको बचा नहीं सकता। सच का है, प्रेमानंद जी ने जो भी कहा वो सच का है, क्योंकि ये सनातन धर्म के विरोधी लोग हैं, ये शास्त्रों का तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहे हैं और आम जनता, भोली भाली जनता को भ्रमित कर रहे हैं। ये टुटका बताना, ये लोगों को भी समझना चाहिए, ये लोगों को भी समझना चाहिए कि कोई क्यों ये टिप्पणी कर रहा है, ये टिप्पणी का अर्थ क्या है, या फिर हमें किसे फॉलो करना है, किसकी कथाएं सुनने के लिए जाना है, किसके आगे शीश झुकाना है। ये आम लोगों में इतनी बुद्धि और विवेक होना चाहिए। पंकज मेरे साथ जुड़ गए हैं वाराणसी से। पंकज, राधा रानी को लेकर की गई टिप्पणी प्रदीप मिश्रा की मुश्किलें बढ़ा रही है, साथ ही साथ देखिए आप जो अलग अलग संत हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर आप कुछ रुपए का जो रुद्राक्ष है हजारों में बेचते हो, तुम्हारी कथा सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग आते हैं, फिर उन्हें अलग अलग तरीके से ठगा जाता है, बेवकूफ बनाया जाता है, भ्रमित किया जाता है। यानी प्रदीप मिश्रा की ये टिप्पणी अब अलग अलग तरीके से उन्हें घेर रही है, उनकी कथाओं को लेकर और उनकी द्वारा दी गई चीजों को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अगर हम प्रदीप मिश्रा की बात करें चाहे प्रेमानंद महाराज की बात करें, करोड़ों फॉलोअर्स उनके गए हैं और राधा रानी की जिस तरीके की जो टिप्पणी हुई उसके बाद ये एक नया विवाद उत्पन्न हो गया है। तो हमारे साथ देखिए संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय जो बनारस का, जहाँ वेद परा जो है पढ़ाया जाता है, अध्यात्म चीजें पढ़ाई जाती है, वहाँ के आचार्य हैं राजकुमार जी, इनसे ही हम बात करते हैं। इसको किस तरीके से आप देखते हैं, जिस तरीके से जो प्रेमानंद महाराज जी ने जो है प्रदीप मिश्रा पर टिप्पणी की राधा रानी को लेकर? देखिए जो राधा है वो कृष्ण की अर्धांगिनी है, वैसे भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियां हैं, परंतु जो राधा जी हैं वो भी अन्यतमा है, उनकी पटरानी ही है, परंतु जो श्री कृष्ण ब्रह्म के रूप में है और ये रानियां जो हैं, जो पटरानियां हैं अथवा उनकी सहचरी हैं, वो सब माया के रूप में सभी एक हैं। अगर तत्वतः देखा जाए तो जो है जो सत्यभामा नागनिकी और जो जितनी भी 8 पटरानियां हैं उसी तरह से राधा भी हैं, तो राधा को किसी भी तरह से इनसे अलग नहीं किया जा सकता। और चूंकि परंपराया ग्रंथों में पुराणों में यह प्राप्त होता है कि राधा का जन्म स्थान बरसाने में था, वो जो है व्रज की निवासिनी थी, तो इसमें मैं समझता हूँ कि विवाद नहीं करना चाहिए, जो परंपराया है उसका पालन करना चाहिए। और यदि कोई संदेह हो तो वह समाधि की अवस्था में थोड़ा योगाभ्यास के द्वारा तत्व ज्ञान करके उस चीज की वास्तविकता को जाना जा सकता है। ग्रंथों को पढ़ लेने से ही सच्चाई का बोध नहीं होता, बल्कि ग्रंथ को पढ़ करके तत्वतः जब तक उसका ज्ञान न हो जाए तब तक सत्य को नहीं जाना जा सकता है। और महाकवि कालिदास जी ने भी लिखा है कि सताम ही संदेह पदेश वस्तु प्रमाणवंतकरण प्रवृत्तया, यदि किसी भी विषय में संदेह हो तो अंतःकरण की प्रवृत्ति प्रमाण हुआ करती है। इसीलिए हम चाहते हैं कि जितने भी कथावाचक हों वह पहले श्री कृष्ण को व्यक्तिगत जाने, तत्वतः जाने, थोड़ी साधना करें, केवल पुस्तकों को पढ़ करके, पुराणों को पढ़ करके प्रवचन करना आरंभ न कर दें। मेरा यही जो है सबसे विनम्र प्रार्थना है कि हमारे यहाँ जो भी सनक सनंदन सनातन ऋषि थे, जो भी भागवत आदि पर प्रवचन करते थे, वे सब देवताओं को तत्वतः जानते थे, प्रारंभ में तपश्चर्या करते थे, फिर उन पर कोई भाषण देते थे, उनके विषय में बतलाते थे। आज स्थिति एकदम विपरीत है, लोगों को व्यवसाय नहीं मिलता है तो वो किताबों का अध्ययन करते हैं, पुस्तकों को देखते हैं और लाइन बाय लाइन उसको सुनाने लगते हैं, और जनता भी ये नहीं समझ पाती है कि कथा किससे सुनी जाए, तो कथा वाचक पंकज जी, कुबेरेश्वर धाम क्या है जिसका जिक्र प्रदीप मिश्रा ने कहा और कहा कि यहाँ जाकर सबूत देख लें, प्रमाण देख लें, पूछ लीजिए। देवताओं से अनुमति लेकर के फिर उनके विषय में व्याख्यान देनी चाहिए। एक बार फिर से प्रश्न दोहराएं, कुबेरेश्वर धाम क्या है जहाँ पर कह रहे हैं प्रदीप मिश्रा कि वहाँ जाकर प्रमाण देख लें जिसे देखना है? आवाज नहीं आ रही प्रदीप, आप रहिए हमारे साथ, पंकज आप रहिएगा। मैं महंत राजूदास से सवाल पूछ लेती हूँ क्योंकि प्रदीप मिश्रा ने प्रमाण वहां पाने की बात कही है। देखिए वो कह रहे हैं कि अनय घोष से शादी हुई, वो कह रहे हैं रावल गांव की थी, छात्रा गांव में जो उनका विवाह हुआ, अनय घोष के साथ विवाह हुआ, ये सभी बातें तो बोल रहे हैं और कह रहे हैं अगर किसी को प्रमाण चाहिए तो कुबेरेश्वर धाम खुला हुआ है। ये महंत राजूदास, अगर आप समझा पाए ये कुबेरेश्वर धाम क्या है? मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा, दोनों महापुरुष हैं, दोनों विद्वान हैं, दोनों विद्वान महापुरुष से एक ही निवेदन है, चाहे कुछ स्वामी जी हो वृंदावन वाले,
चाहे पूज्य कथा व्यास जी हो, दोनों लोगों से एक ही निवेदन है, क्योंकि राधा रानी साक्षात जगत जननी जगदम्बा है। हाँ। और उनके बारे में टिप्पणी करना किसी प्रकार से यहाँ हुई ऐसे हुई इस प्रकार से हुई, ये अच्छी बात नहीं है। नंबर एक। नंबर दो, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज से करवत प्रार्थना निवेदन है कि वहां तक अगर वीडियो मेरी कोई सुन रहा हो वहां तक पहुंचे, तो एक ही निवेदन है कि आप सीधे मिश्रा जी का कान पकड़िए और सीधे उनको अपने चरण में लेटाइए, बैठ के साथ साथ कर लीजिए। इस प्रकार से टीका टिप्पणी करने से सनातनी आहत होते हैं, भक्त दोनों लोगों के खूब हैं, दोनों लोग धर्म के प्रचारक हैं, सनातन पे कार्य करते हैं, सनातन संस्कृति के लिए कार्य करते हैं। इसके नाते दोनों लोगों से सिर्फ एक ही निवेदन है, कोई निवेदन हाँ। है नहीं है। यानी आप कह रहे हैं कि कोई महान विद्वान व्यक्ति अगर इस तरीके से आपस में टकराएगा तो उसका आम लोगों पर और उन भक्तों पर बुरा असर पड़ेगा जो इन विद्वानों को मानते हैं, फॉलो करते हैं, उनकी विचारधारा पर चलते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ में जुड़ने के लिए। जब भी आप किसी को फॉलो करें, किसी की कथा सुनने के लिए जाएं, तो उसके बारे में जान समझ जरूर लें, अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल जरूर करें। ऐसा ना हो कि अपनी कथाओं के नाम पर कोई आपको भ्रमित करने की कोशिश कर रहा हो। फिलहाल प्रदीप मिश्रा और प्रेमानंद जी महाराज के बीच में जो विवाद है आगे